लेकिन जो लोग नहीं फॉलो करते उन्हें बता देता हूँ, एक सरप्राइज होने वाला है बहुत जल्दी, मे बी इसी मंथ में हो जाए या नेक्स्ट मंथ, मतलब कभी भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। मतलब यहाँ पर आते सबसे खतरनाक रिएक्शन पता है, वीडियो देख रहे हो तुम लोग, खतरनाक। क्या बात है भाई, कटिंग करने में तो ये भी मजा आता है, और रात के टाइम पे भाई यहाँ पे जितनी भीड़ होती है ना उस टाइम पे और मजा आता है कट करने में। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस, फाइनली आज हम लोग का दोबारा से एक मस्त करके न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसे कि तुम लोगों ने लास्ट वाले दो एपिसोड देख लिए होंगे भाई, जो कि अरावली के थे, तो मैंने तुम्हें जैसे कि बताया था कि मैंने तुम्हें बताऊंगा नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर उसका मैंने तुम्हें जाने वाले दिन ही बताया। ये मैंने इसलिए बताया, मैंने तुम्हें रीजन भी बता दिया था भाई, कि ऐसा होता है ना कि अभी मैं कुछ प्लान करता हूँ कि भाई यहाँ जाऊँगा तो प्लान मेरा कैंसिल ही हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस बार बताया नहीं, सीधा तुम्हें प्लान करके दिखा दिया। तो अभी हमारा नेक्स्ट ट्रिप भी कहीं का होने वाला है, बट अभी सिर्फ सोचा है, मैं बताऊंगा नहीं, बता दिया तो भाई उसके बाद को पता है कैंसिल ही होना है, इसीलिए उस दिन भाई कैंसिल होते होते बचा है ट्रिप, जैसे कि तुम लोग को मैंने बता दिया था। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे भाई बजाज के शोरूम में जगत तक, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना काम करवाना है, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा ना स्कैन करवानी है बाइक, क्योंकि जैसे अभी हम इसको सेल कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि कोई दिक्कत हो तो मैं ठीक करवा दूँ, ताकि अगले बंदे को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी भाई एक बार चेक करवा लेता हूँ मैं अपने हैंड से। ठीक है, वो फिलहाल जो है भाई अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 बज चुके हैं शायद, तो अभी मैं 5:30 बजे से रेडी होने में था, तो 6 बजे तक फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अभी फिलहाल जो है अभी निकलते फटाफट से, एंड भाई अभी जो है अभी हम लोगों ने ना एक कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो वो उसका जो तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट तो काफ़ी लोगों को पता लग चुका है, जो लोग मतलब जिनके साथ मेरा रोज उठना बैठना उन्हें तो खैर पता लग चुका है, बाकी जो जितने मतलब सब्सक्राइबर्स बाकी हैं उन्हें अभी खैर नहीं पता, उन्हें भी पता लग जाएगा, बाकी जिन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी उस दिन थोड़ा बहुत तो हिंट मिल गया होगा, लेकिन जो लोग नहीं फॉलो करते उन्हें बता देता हूँ, एक सरप्राइज होने वाला है बहुत जल्दी, मे बी इसी मंथ में हो जाए या नेक्स्ट मंथ, मतलब कभी भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है मतलब। ठीक है, तो फिलहाल जो है अभी हमारा वो जो सरप्राइज है वो अभी फिलहाल पेंडिंग है, तो होने वाला है। तो फिलहाल अभी जो है सबसे पहले मेरे को भाई कार्तिक भैया को जो है भाई वहाँ छोड़ के आना है गेस्ट हाउस तक। ठीक है, कार्तिक भैया को वहाँ छोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। एंड भाई तुम्हें जैसे कि पता होगा मैं जब भी कार्तिक भैया के साथ जाता हूँ कोई ना कोई रोड रेज हो जाती है, तो जैसे कि उस दिन लास्ट टाइम जब मैं कार्तिक भैया को लेके जा रहा था कहीं पर, उस दिन भाई रोड रेज हो गई थी वहाँ पे, एक बार किसी वर्कर के साथ उस दिन वहाँ पे हमारी रोड रेज हो गई थी, जैसे कि तुम लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। तो फिलहाल जो है भाई अभी भैया को छोड़ते हैं फटाफट से, एंड उसके हम निकलते भाई जगत के शोरूम में। ठीक है, एंड गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है भाई, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है नोएडा में, पूरी रात एसी चल रहा है, बिल आ रहा है दबा के। ठीक है, इतनी गर्मी हो रही है। तो बाकी अभी हम लोग चलते हैं नीचे फटाफट से, हाइड्रा को तो मैंने खैर सुबह साफ़ कर दिया था क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था, तो फिलहाल अभी उसे साफ़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से हाइड्रा को उठाते हैं, भैया को छोड़ते हैं, उसका शोरूम पहुँचते हैं। बाकी गाइज, अरावली वाली सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उसमें भाई बहुत मेहनत करी है, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा भाई यहाँ से पता 100 किलोमीटर जाके 100 किलोमीटर वापस आए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लिटरली। एंड वहाँ पर स्टे का भी हमें नहीं पता, मैंने अपने रिलेटिव के वहाँ पर स्टे करा उस दिन, पता है उसके हम लोग अगले दिन वापस नोएडा आए, बहुत ज़्यादा थक गए थे भाई। तुम लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो भाई प्लीज चैनल को जाके यार सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, हाइड्रा को निकालते बाहर, हैंड कार्तिक भाई भी आ चुके हैं, देख रहे हो भाई कितने कमजोर हो गए हैं ये। आपकी कमजोरी का रास्ता बताओ। तो गाइज वो वहाँ पे बैठी है, देखो क्यूट गर्ल्स एंड रिएक्शन देख रहे हो भाई तीनों लोगों के, खतरनाक एक नंबर भाई। यार मैं तो इसे साफ करके गया था, दोबारा से गंदी हो गई यार। गाइज ऋषभ भैया बाइक लेके गए, इसकी नंबर प्लेट मोड़ रहा है पता नहीं कहीं से। बाय गाइज। तो गाइज हमारे बहुत सारे गाइज बन के एक सनी भाई बनते हैं। अरे सनी गाय बनते हैं, बहुत सारे गाइजों को मिला के। बाकी ये हम आ चुके हैं भाई अंसल के टूटे हुए रोडों में, एंड भाई इसके पिलियन में बहुत दिक्कत आती है, Z900 लेंगे ना भाई उसके पिलियन में और दिक्कत आएगी, उसका पिलियन ये यहाँ पे आता है एकदम ऊपर, जैसे RC का पिलियन है ना भाई सेम वैसे पिलियन है Z900 का, बस वो है कि भाई वो है ना RC में नेकेड बाइक है, मतलब ऐसा समझ लो कि RC जैसे RC के पिलियन होती है वैसी होती है, बस नेकेड बाइक जैसी है, बस RC का बस साइड से जो फेंडर लगे होते हैं वो नहीं होते बस उसमें भाई, वैसे कुत्ते पीछे ना पड़ जाए क्योंकि आवाज़ सुन के ना मोस्टली ये कुत्ते जो है पीछे पड़ जाते हैं, तो अभी तो खैर नहीं पड़ेंगे, पड़ भी गए तो भाई क्या ही दिक्कत है, भगा देंगे हम, एक तो भाग गया उनमें से। भाई मतलब मुझे ना यहाँ पे अंसल हाउसिंग में आए हुए ना मतलब 1 साल होने वाला है, एंड 1 साल से रोड ऐसे ही, मतलब एक बस हमारे घर के सामने वाला रोड है जो कि भैया ने ठीक करवाया था, बस वही ठीक हुआ है, उसके बाद कोई भी रोड ठीक नहीं हुआ। अपने अपने गेस्ट हाउस के बाहर तो रोड ठीक करवा लो, ये देखो गाइस ओयो ढूंढ रहे हैं दो कपल्स। इन्हें हमारी गेस्ट हाउस में आ जाओ, हम देंगे तुम्हें रूम। मतलब तुम्हें यहाँ पर है ना ऐसे कपल्स काफ़ी मिल जाएंगे जिन्हें मतलब ओयो वगैरह की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो हेल्प कर दिया करो भाई यार, पता है हमेशा पता है हेल्प करनी चाहिए। तो गाइस अभी इसकी साउंड देखो कैसी आ रही है, उसकी मतलब सुपर बाइक जैसी साउंड आती है, ऐसे अगर देखो सुपर बाइक आ गई हाथ में फिर तो भाई जो आ जाएगी ना भाई खतरनाक। अभी गाइस जैसे उस दिन की इसकी सर्विस करवा दी ना, तो उसके बाद से जो है ना ये पिकअप जो है ना बड़ा खतरनाक ले रही है अब।
भाई क्या बात है भाई, इतनी गंदी गर्म हवा चल रही है ना भाई, क्या ही बताऊं तुम्हें। फिलहाल गाइस अभी हम लोग हमेशा की तरह यहाँ से रॉन्ग लेते हुए जा रहे हैं एंड सामने से तो बहुत सारी गाड़ियां आ रही है। ओ माई गॉड, अबे कहाँ आ रहा है बीच में। ओ रिएक्शन देख रहे भाई। अभी हम लोग को गाइस हाईवे की तरफ से जाना है। अभी पता है पहले मैं बजाज के शोरूम में जाने का सोचा था, बट है ना बजाज का जो शोरूम है मे बी है ना बंद हो गया होगा, क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है एंड 6:30 होने वाले हैं। तो अभी फिलहाल जो है भाई अभी हम लोग जा रहे हैं भाई एमटी के बाहर, जैसे कि मतलब एमटी कॉलेज है, उसके बाहर ना भाई जो रिएक्शन ना बड़े खतरनाक से मिलते हैं। तो फिलहाल जो है वहाँ पर रिएक्शन कैप्चर करते हैं एंड आज काफ़ी टाइम बाद मैं ना इस तरफ से हाईवे की तरफ चढ़ाऊँ, मतलब परसों जब हम आए थे हम पहले कट हो गए थे ना, तो इस तरफ से आए हुए मेरे को बड़ा टाइम हो गया। तो अभी फिलहाल हम आज ही जा रहे हैं इस तरफ से, बाकी अभी सामने हमें पुलिस वालों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पुलिस वालों से डरे बगैर हम लोग जो है आराम से कट मार के निकल जाएंगे। जिन बाइकों में ऐसे एग्जॉस्ट लग रखे हैं ना भाई, उन बाइकों को तो हर कोई हाथ देता है। अब तो भाई सुपर बाइक को तक हाथ देने लग गए। पहले तो भाई पुलिस वाले एक बार को कुछ नहीं कहते थे, बाकी उन्हें पता होता भाई इनलाइन 4 है तो साउंड तो आएगी, तो पहले से पुलिस वाले कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब पुलिस वालों ने भाई डंडा कर दिया। अब पुलिस वाले ना मतलब सीधा ही पकड़ ले रहे हैं, मतलब जैसे किसी को देख रहे हैं, मतलब ना सुपर बाइक पे। अब देखो भाई सुपर बाइक है तो आवाज़ तो आएगी, सीधी सी बात है। तो ना पुलिस वाले अब डंडा करने लग गए हैं कि जिसकी भी सुपर बाइक है सीधा उसका चलान। एंड बाकी जो है यहाँ पर एक गाड़ी तो खैर रुक चुकी है, वो देखो भाई पुलिस वाला सामने खड़ा है, बट हम लोग जो है भाई यहाँ साइड से निकल जाएंगे। बाकी अभी ये बढ़िया जगह मिल गई, यहाँ पे कट मारते हैं कल। क्या बात है भाई, कटिंग करने में तो ये भी मज़ा आता है, और रात के टाइम पे भाई यहाँ पे जितनी भीड़ होती है ना उस टाइम पे और मज़ा आता है कट करने में। भाई देख रहे हो क्या चूतिया आदमी है, साइड ही नहीं दे रहा। एक सेकेंड, अरे पानी आ गया भाई। अभी आईएमटी के लिए जो हमें अगले वाले कट पे जाना पड़ेगा। आईएमटी जो है भाई वो नॉलेज पार्क में है, तो नॉलेज पार्क की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आईएमटी की तरफ को भीड़ होती है ना, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी क्यूट गर्ल्स मिलेगी जिनका हम लोग रिएक्शन कैप्चर करेंगे। बाकी ये बस इससे जो नेक्स्ट वाला कट है ना भाई उस वाले कट पे जाना है हम लोगों ने। तो ये आ चुका है भाई, ये देखो नॉलेज पार्क वाला कट, एंड यहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ होती है। देखो भीड़ देख रहे हो तुम लोग, खतरनाक। भाई भीड़ कितनी हो रही है यार, गजब। भाई दो रिएक्शन तो आ गए। अब पता नहीं इसमें कैप्चर हुए नहीं हुए मैंने तो, लेकिन उनकी तरफ को पूरा देखा, तो इस तरफ से चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो भाई रिएक्शन, भाई खड्डे अचानक से आ जा रहे हैं यार, सामने दिख भी नहीं रहे। ये देखो भाई रिएक्शन, वाओ नाइस। ये देखो भाई हियर इज टू मोर रिएक्शन, क्या बात है। मैंने तुम्हें कहा था ना भाई इस जगह पे रिएक्शन आते हैं, एंड अभी अगर रेव किया ना भाई, ये देखो और रिएक्शन, वन मोर एंड हियर इज वन मोर, माय गॉड। मतलब भाई जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई मतलब ना ड्यूक में ना रिएक्शन नहीं आते, तो भाई वो इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो भाई, ड्यूक में भी है ना लिटरली बहुत अच्छे रिएक्शन आते हैं, क्योंकि मेरे पास भाई ये 2 साल से हैं एंड मुझे पता है कि भाई कैसे कैसे रिएक्शन मिलते हैं। भाई साहब आज इस गली में पता नहीं इतनी भीड़ किस चीज़ की है। यहाँ पर आते सबसे खतरनाक रिएक्शन पता है।